हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से मेरा नाम है रत्न थेरानी और आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी जी की न्यू गाड़ी के बारे में। लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में बहुत कुछ। आज हम बात करेंगे उनकी गाड़ी के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली परचेज की है। बेसिकली द पीएमओ हैज परचेज दैट कार, और कौन सी गाड़ी है ये। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई एम गोना टेल यू सब्सक्राइब कर लीजिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, वरना आप मिस कर रहे काफी सारे न्यूज रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंच जाते हैं रोजाना, और वो भी केवल हिंदी में। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गो। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमारा पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक नई कार परचेज की फॉर आर करंट प्राइम मिनिस्टर। अब बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल्स, लेट मी गिव यू अ क्विक फ्लैशबैक। व्हेन नरेंद्र मोदी जी वाज द सीएम इन गुजरात, तब उनके पास थी द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का एक बुलेट प्रूफ वर्जन था जो वो इस्तेमाल करते थे। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस गए, अब वहाँ पे एक ऑलरेडी सेट ऑफ कार्स है। अब जैसे कैसे आपका ऑफिस फर्नीचर होता है, एसेट्स होते हैं, वैसे उसमें से एक एसेट था एक बुलेट प्रूफ कार, विच वॉज द BMW 7 सीरीज। अब इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जब हमने चैनल नया नया शुरू किया था द अर्ली डेज। पर आज हम बात करेंगे अबाउट द न्यू परचेज सम टाइम अगो, एंड दैट इज द रेंज रोवर सेंटिनल। रेंज रोवर सेंटिनल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसकी जो स्टिकर प्राइस है, अगर आप यूके से डायरेक्टली खरीदते हैं तो वो पड़ेगी 4 करोड़ के आसपास। पर अगर आप टेक्निकली आप नॉर्मल कस्टमर है, इंडिया में रहते हैं, आपको वो गाड़ी खरीद के इंडिया में चाहिए, तो ऑन रोड टैक्स के साथ 10 से 12 करोड़ तक अप्रॉक्सिमेटली पड़ेगी ड्यू टू एक्स्ट्रा टैक्सेस दैट आर लेवाइड ऑन। तो रेंज रोवर सेंटिनल क्या गाड़ी है और ये रेंज रोवर से कैसे अलग है? अब ये सेंटिनल जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर रेंज रोवर, बट द वेरी सिंपल फैक्ट इज ये गाड़ी को डेवलप किया है द SVO, स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन। ये लैंड रोवर की एक स्पेशल टीम है, जैगुआर लैंड रोवर की एक स्पेशल टीम है। जैसे मर्सिडीज मान लीजिए, मर्सिडीज है AMG, तो AMG क्या करता है, इट मेक्स ओनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स। वैसे SVO उनका एक ब्रांच है और एक रादर डिविजन है जो बेसिकली अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली जैगुआर XE देख रहे हो, इट गॉट अ प्रोजेक्ट 8। यू लुक एट द रेंज रोवर स्पोर्ट, उसमें SVR आ रहा है, विच वो बोथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल्स। तीसरी गाड़ी जो आई वॉज द रेंज रोवर SV ऑटोबायोग्राफी, जो सुपर लग्जूरियस गाड़ी बनी। और चौथी गाड़ी, वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट कार्स, इज द रेंज रोवर सेंटिनल। अब ये सेंटिनल जो है इज अ बुलेट प्रूफ कार, और ये गाड़ी को VR8 रेटिंग मिले। मैं VR8 रेटिंग पे डेफिनेटली आगे आऊँगा। और ये दिखने में हूबहू रेगुलर रेंज रोवर जैसी है। आप देख के बोलोगे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस कार। दिखने में ये हूबहू रेंज रोवर जैसी ही लगती है, पर इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। फॉर इंस्टेंस, इस गाड़ी का वजन 4.4 टन्स है। आप समझ रहे हो, 4.4 टन्स इज अ लॉट मोर देन द रेगुलर रेंज रोवर। नॉर्मल रेंज रोवर 2 to 2.2 टन्स के आसपास आती है, और ये गाड़ी से डबल वेट है। डबल, आर यू सीरियस? तो बिकॉज ऑफ दिस एडेड एक्स्ट्रा वेट आपको काफ़ी कुछ दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इस गाड़ी में 366 पार्ट आर्मर्ड सेल्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए ऊपर, नीचे, दोनों साइड, आगे, पीछे, सब तरफ आपको ये स्पेशल 360 प्रोटेक्शन मिलती है इन द कॉकपिट, जिस वजह से गाड़ी काफ़ी सेफ हो जाती है। तो इस गाड़ी पे आप बुलेट से अटैक कर लो, आप बॉम्ब फोड़ लो, आप ग्रेनेड फोड़ लो, डजंट मैटर, जो अंदर बैठने वाले लोग हैं दे विल रिमेन सेफ एंड सिक्योर। तो अब ये गाड़ी का वजन डबल हो गया है, तो यानी कि इसकी इंजन भी ज़्यादा पावरफुल होगी, राइट? तो रेंज रोवर में बेसिकली क्या आता है, दो इंजन आती है ऑन द हायर एंड स्पेक्ट्रम। एक है 3 लीटर V6 जो हम नहीं बात करने वाले, बट 4.4 लीटर डीजल आती है और 5 लीटर पेट्रोल आती है। डीजल नहीं दी गई है, पेट्रोल ही आती है 5 लीटर की। अब रेगुलरली अगर आप ऑफ द शेल्फ गाड़ी खरीदोगे द रेंज रोवर, यू विल हैव टू गेट अ 5 लीटर सुपरचार्ज इंजन जो 510 BHP पावर बनाता है। बट नंबर्स, डू दे रियली मैटर? आई डोंट थिंक सो। इस वजह से ये जो गाड़ी आ रही है द सेंटिनल गेट्स अ 5 लीटर इंजन, 375 ब्रेक हॉर्स पावर, यानी कि पावर घट गया है, पर एक्चुअली इसका पिकअप इज बेटर। वाई? बिकॉज ऑफ द टॉर्क दैट इट प्रोड्यूसेस। जो इनिशियल उसका मोमेंटम है,
इस वजह से गाड़ी काफी क्विकली निकल जाती है, मेकिंग इट रियली क्विक। अब देखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा कहते हैं, नंबर्स नेवर मैटर इन ब्रेक हॉर्सपावर। अगर आप कहते हो मेरी 500 bhp है, मेरी 200 bhp है, दैट नंबर डजंट मैटर टू मच। व्हाट मैटर्स इज आपकी इंजन कैसी ट्यून की गई है, एंड दैट इज वेयर द रेंज रोवर सेंटिनल गेट्स दैट पीक पॉइंट। ये 0-100 करती है इन अंडर 10 seconds, डिस्पाइट बीइंग 4.5 tons, ये 10 सेकेंड के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी का इतना वजन है, इस वजह से इसके सब कुछ को अपग्रेड किया हुआ है ऑलमोस्ट। सो फॉर बेसिकली, जब आप इस गाड़ी को देखते हैं, यू विल नोटिस दैट व्हील्स अलग अलग है। तो इसको 20 inch के व्हील्स आते हैं विच आर रन फ्लैट्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इसमें अगर गोली भी लग गई और ये फ्लैट भी हो गया तो ये 50 किलोमीटर जा सकती है फॉर 80 km/h तक की स्पीड। सो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट इटसेल्फ। तो ये गाड़ी में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, यू नो, यू गेट सेफ्टी। इसके जो सस्पेंशन है, यानी कि एयर स्प्रिंग्स हो गए, डैम्पर्स हो गए, रोल बार कॉइल्स हो गए, एवरीथिंग ऑन द कार हैज बीन अपग्रेडेड, क्योंकि वजन बढ़ गया ना, यू हैव टू टेक दैट वेट ऑल्सो, राइट? सो इस वजह से उनको भी एक मेजर अपग्रेड दिया हुआ है। जो ब्रेक्स है, देखिए, एक्सेलरेशन के साथ स्टॉपिंग भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही, तो इस वजह से इसको हाईएस्ट क्वालिटी के ब्रेक्स दिए गए हैं दैट यू विल एवर गेट इन द मार्केट। तो 4.5 tons की गाड़ी को रोकना कोई मजाक नहीं है, और उसे क्विकली रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गाड़ी का जो क्लाइंटल इज मेजरली VVIPs, पॉलिटिशियंस, या यू नो, हाई ग्रेड डिप्लोमैट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इस वजह से आपको एक्सेलरेशन और स्टॉपिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और जब आप एक इतने हाई यू नो ग्रेड के डिप्लोमैट को गाड़ी में ले जा रहे हो, तब आपको गाड़ी में लग्जरी भी चाहिए। तो इस गाड़ी में आपको वो सब लग्जरी फीचर्स मिलते हैं दैट यू विल एवर एक्सपेक्ट इन अ रेंज रोवर। टच इन 10 inch की टच स्क्रीन सिस्टम हो गई, पीछे TVs हो गए, लेदर अपहोल्स्ट्री, कूल सीट्स, एक्सेट्रा, यू नेम इट, यू गेट इट, एवरीथिंग इन द कार आपको मिल जाता है, विच मेक्स इट फैंटास्टिक। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इस गाड़ी का अगर आप बेसिकली यू नो यू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कार, इट स्कोर्स फैंटास्टिक। इस गाड़ी के 3 main pillars है, या 3 main talking points है। पहला, लग्जरी हर रेंज रोवर में आती है, वो दिया हुआ है इस गाड़ी में भी, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप लेदर अपहोल्स्ट्री की बात करो, कूल सीट की बात करो, सीट रिक्लाइन की बात कर लो, स्पेस की बात कर लो, और यू टॉक अबाउट एनीथिंग इन द कार, फीचर्स, टच स्क्रीन सिस्टम, एवरीथिंग इज ऑफर्ड ऑन दिस कार। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल टेरेन, यानी कि ये रेंज रोवर है। 4 tons की हो गई तो क्या हुआ, रेंज रोवर की जैसे कैरेक्टर है या नहीं, इस गाड़ी को आप ऑफ रोड भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए रास्ते पे कहीं ब्लॉकेड है और आपकी गाड़ी को जाना है द रेंज रोवर सेंटिनल, तो आप ऑफ रोड के जाके भी जा सकते हो, ये केपेबल है वो सब करने को। तो इस गाड़ी को टेस्ट किया गया है, और जो रेंज रोवर का बैज इसने पहना है वो प्राउडली उसे निभाता है वहाँ पे। थर्ड एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ ऑन दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली द फोर्ट्रेसनेस। अब फोर्ट्रेसनेस क्या होता है, मजबूती इस गाड़ी की। इस गाड़ी पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 360 के 6 part cells है, जिस वजह से आप गाड़ी पे हमला करोगे, यानी कि अगर आप इस पे 7.62 mm तक का फायरिंग करोगे गन बुलेट से, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप इसके साइड में 15 किलो तक के TNT फोड़ दो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप गाड़ी के नीचे या ऊपर ट्राई एंड एक्सप्लोर दोज PM-51 हैंड ग्रेनेड्स, नीचे या ऊपर दोनों तरफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। 2 bombs भी फोड़ दो साथ में, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब इस गाड़ी को जो है VR8 रेटिंग मिली है, क्या ये हाईएस्ट है? जी नहीं, ये हाईएस्ट रेटिंग नहीं है। हाईएस्ट रेटिंग इज VR10। वो पहली गाड़ी जिसको मिला था वॉज द मर्सिडीज बेंज S-Guard। अब देखिए, ये गाड़ी को लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो दिस कंपनी इज ओन्ड बाय टाटा मोटर्स, तो वो टेक्निकली पैसा वापस इंडिया के पास ही आता है इन वन वे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि वो एक SUV है, तो ऑफ रोड भी इजीली जा सकती है। तो ये रहे इस गाड़ी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेरे हिसाब से इट्स अ स्मार्ट मूव आज के तारीख में। एक तो इंडियन कंपनीज को फंडिंग मिल रही है इसे, टाटा ग्रुप ऑफकोर्स दे हैव पुट इन अबाउट 1500 crore, 1500
करोड़ उन्होंने डोनेट किए हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक इटसेल्फ. सो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ दैट कंपनी फॉर द होल कंट्री है. तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मूव बहुत अच्छी है एंड आई रियली विश और जो भी दुनिया भर में गाड़ियाँ खरीदे दे बाय इट फ्रॉम द इंडियन ब्रांड. अब देखिए आपका सवाल डेफिनेटली आएगा कि ये इंडिया में क्यों नहीं बनती है. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि जब मिस्टर टाटा ने कंपनी परचेज की थी फ्रॉम जैगो लैंड रोवर और सॉरी फ्रॉम फोर्ड रादर, तब उन्होंने ये चीज़ कमिट की थी वहाँ के लोकल्स को गवर्नमेंट को कि वो ये कंपनी को बंद करके इंडिया में नहीं ले जाएंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे जहाँ पे उसका एक्चुअल ओरिजिन है. सो इस वजह से कंपनी को वहीं रखा जाएगा. दे विल नॉट शिफ्टेड टू इंडिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मे बी इन द फ्यूचर शायद इंडिया में भी प्रोडक्शन हो बट नॉट एज द होल एंड सोल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. सो यह है कहानी ऑफ द रेंज रोवर सेंटिनल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप जो आप हमेशा करते हो. कमेंट्स शेयर कर दीजिए अपने. और अगर आप चैनल पे पहले बार आए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. एनीवेज जाइए सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू टुमारो वंस अगेन विद एन ऑल न्यू वीडियो. अब हमारे वीडियोस हर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन. डू गो एंड चेक देम आउट व्हेरेवर यू फील यू आर कंफर्टेबल. मिलूंगा कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर. जय हिंद.